दोस्तों यदि आप पेटीएम यूज करते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ पेटीएम की। यदि आप अपने मोबाइल में ये दो सेटिंग नहीं करके रखते हो पेटीएम के अंदर तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों आपको दो सेटिंग बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना। अब चलिए सेटिंग पर जाते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने पेटीएम की जो ऊपर तीन डॉट रहती है, आप अपने पेटीएम की तीन डॉट पर जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं अपने पेटीएम की थ्री डॉट पर चला जाता हूं। अब यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की साइड जाना है और नीचे की साइड जाने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, माई सिक्योरिटी सेटिंग। आपको इस सेटिंग में जाना है, माई सिक्योरिटी सेटिंग। ओके, यहां पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद अगले ऑप्शन खुलेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर की सेटिंग पर जाना है जिसका नाम है मैनेज लॉक। ओके, मैनेज लॉक वाले सेटिंग में जाना है। ओके दोस्तों, यहां पर जाने के बाद आप इस वाले सेटिंग को ऑन करेंगे यहां से, और जैसे ही आप इस वाले सेटिंग को ऑन कर देंगे, अब इसका मतलब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर आपको पूछा जाएगा जो आपके मोबाइल का पासवर्ड है, पिन पैटर्न है, वो यहां पर आप डाल देंगे, जो भी आपने बना रखा होगा जब आप लॉक को स्क्रीन करते हो। ओके, इसके बाद अब क्या होगा दोस्तों, ये सेटिंग ऑन करने के बाद अब थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आपका मोबाइल खो जाता है या फिर किसी और अदर पर्सन के हाथ में चला जाता है, तो क्या कर सकता है, आपके पेटीएम से सारा अमाउंट बाहर निकाल सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यदि वो अमाउंट को पे करेगा तो पहले पे करने से पहले ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले पासवर्ड को मांगेगा। ओके, तो इसका मतलब होगा कि पासवर्ड उसको पता नहीं होगा, यदि आपका मोबाइल खोया जाता है या फिर किसी अदर पर्सन के हाथ में चला जाता है तो वो नहीं कर सकता जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा। तो कोड ही स्कैन नहीं होगा, कोड स्कैन तब होगा जब मोबाइल नंबर जब डलेगा यहाँ पर पेमेंट करने के लिए, जब पासवर्ड आप डाल देंगे। तो ये पासवर्ड आपको लगा के रखना है उसके पे वाले ऑप्शन पर, जिससे कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके पेटीएम से पैसे ना निकाल पाए। इसी तरीके से यदि वो पासबुक में जाएगा और यहाँ पर जो है पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो पासबुक भी नहीं ओपन होगी, पासबुक में भी जो है पासवर्ड उसको डालना पड़ेगा। ओके, तो पे वाले ऑप्शन पर, पासबुक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर लॉक लग जाएगा, ये सिर्फ लॉक आपको ही पता होगा, तो यदि कोई थर्ड पर्सन खुलेगा तो वो नहीं खुलेगा। ओके, तो उसके बाद ही पासवर्ड डालने के बाद ही यहाँ पर दोनों ऑप्शन ऑन होंगे, आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको दिखाया है। ओके, तो ये तो हुई बात कि यदि आपका मोबाइल खो जाता है या फिर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आ जाता है तो इस तरीके से आप बचेंगे। लेकिन एक दूसरे नंबर की सेटिंग है जो मैं आपको बताने वाला था। आप क्या करते हो, तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से और उनको लिंक कर देते हो अपने पेटीएम से। ओके, तो उस चीज़ से बचना है, उससे कैसे बचा जाएगा, ओके लिंक तो करना है लेकिन बाद में हटाना है। उसके लिए आप दोबारा से सेटिंग में जाएंगे, माई सिक्योरिटी सेटिंग में, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, लॉग आउट फ्रॉम डिवाइस एंड लिंक ऐप। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लॉग आउट नहीं करना है, यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का। ओके, तो आप यहाँ से व्यू करेंगे लिंक ऐप को जो आपके पेटीएम से लिंक हो रखी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आप चैट करेंगे। ओके, पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐप लिंक व्यू पेटीएम वॉलेट पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप चैट कर लेंगे कि आपके पेटीएम के साथ कौन कौन सी ऐप लिंक है। यदि आपके पेटीएम के साथ जोमेटो जैसी ऐप लिंक है या फिर रिलायंस जियो जैसी ऐप लिंक है ना, या बुक माई शो जैसी ऐप लिंक है, तो इनसे घबराने वाली बात नहीं है, ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन होती है। लेकिन यदि कोई अरे गैरी नस्तू एप्लीकेशन आपके पेटीएम से लिंक है जो दो चार दिन नई मार्केट में आई है, तो उनको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, उनको हटा देना है। ओके दोस्तों, तो इस सेटिंग का आपको ध्यान रखना है। ओके, अपने जो है पे वाले ऑप्शन पर लॉक लगाइए, पासबुक पर लॉक लगाइए, और यहाँ पर लिंक ऐप को हमेशा चेक कीजिए यदि आप पेटीएम को चलाते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। We'll be right back.